हिमाचल प्रदेश पंचायत चौकीदार संघ ब्लॉक नगरोटा सूर्या की एक बैठक ज्वाली विश्राम गृह में हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रधान कमल कुमार ने की, जिसमें विभिन्न पंचायतों के चौकीदारों ने भाग लिया। बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से मांग की गई है कि पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी घोषित करें। संघ के प्रधान कमल कुमार ने बताया कि पंचायत चौकीदार पंचायतों में पिछले करीबन 40 सालों से कार्य कर रही है तथा पंचायतों के साथ विकास खंडों में सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक ड्यूटी देते हैं, लेकिन आज तक पंचायत चौकीदारों के लिए दैनिक वेतनभोगी नहीं बनाया गया है। उन्हें आज भी मात्र 5300 रुपये ही वेतनमान प्रति माह दिया जा रहा है, जो कि इस महंगाई के दौर में बहुत कम है। उन्होंने मुख्यमंत्री से उम्मीद जताई है कि जिस तरह बाकी विभागों के चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी बनाया गया है, उसी तर्ज पर विभिन्न पंचायतों में कार्यरत चौकीदारों को भी दैनिक वेतनभोगी का दर्जा देंगे। ज्वाली से दौलत चौहान की रिपोर्ट। जो हम पंचायत चौकीदारों को जो मीटिंग हुई है, जिसका हमारा एजेंडा है पंचायत चौकीदारों की दैनिक वेतनभोगी बनाने बारे में। पंचायत चौकीदार सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अपनी पंचायतों में ड्यूटियाँ कर रहे हैं और विकास खंडों में भी कर रहे हैं। हर जगह पे अपनी ड्यूटी चौकीदार जो पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि पंचायत चौकीदारों को दैनिक भोगी बनाया जाए। हम सरकार से कंधा मिलाकर चलेंगे और सरकार से हमारी यही विनम्र प्रार्थना है कि हमारे लिए दैनिक भोगी की बनाया जाए, ताकि हम भी अपने परिवार का अच्छे ढंग से पालन पोषण कर सके। हमारी जो पंचायत चौकीदार जो है ये हैं 3226 है, जो कि जब से पंचायतों गठन किया था तब से रखे गए थे। आज तक कोई भी पंचायत चौकीदारी कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई गई, ना कोई नियमित हुआ। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे को दैनिक भोगी बनाया जाए, ताकि अन्य कर्मचारी तरह हम भी अपने परिवार को अच्छे ढंग से परिवार का पालन पोषण कर सकें और हमें भी हमारी पॉलिसी बनाई जा सके। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।